अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवास या माइग्रेशन। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण घटक है जो प्रवास है, वो कि किसी स्थान पर जो जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो रही है उसका एक प्रमुख कारण जन्मदर और मृत्यु दर के बाद तीसरा प्रमुख कारण है प्रवास या माइग्रेशन। तो बच्चों, क्या आपने सोचा है कि लोग प्रवास क्यों करते हैं? आप इस बात पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि लोग प्रवास क्यों करते हैं। भाई, हमने भी बात की कि कोई व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तो जिस स्थान से वो जा रहा है वो उसका उत्पत्ति, वहाँ पर उत्पत्ति स्थल कह सकते हैं, जहाँ से उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म स्थान है, और वहाँ से वो दूसरे स्थान को जा रहा है उस स्थान को छोड़कर। तो कोई स्थान जहाँ कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है उससे तो उसका एक भावनात्मक संबंध होता है, तो ऐसे ही कैसे वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर जा सकता है, यह एक विचार करने योग्य प्रश्न है। कुछ कारण होते हैं जो व्यक्ति को प्रवास करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये जो स्थानांतरण है या ये जो प्रवास है, ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन प्रकारों को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। तो जो स्थान, जो कारण दूसरे स्थान को जाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं, उसे हम पुश फैक्टर कहते हैं, मतलब अपकर्ष कारक, जो उसे धक्का दे रहे हैं उस स्थान को छोड़ने के लिए। और जो कारण किसी दूसरे स्थान पर व्यक्ति को जाने के लिए हम ये कह सकते हैं आकर्षित करते हैं, उसको हम कहते हैं पुल फैक्टर्स, जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि भाई आइए यहाँ हम आपको ये सुविधाएं देंगे, तो इसे हम कहते हैं पुल फैक्टर। तो ये जो दो कारक हैं कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है, तो इस पर, इन कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या होगी जो किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान को जाने के लिए मजबूर करेंगे? तो भाई, हम देखेंगे कि अगर किसी स्थान पर जो लोगों का रहन स्तर निम्न है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आय कम है, और ये निम्न आय जो है वो निम्न जीवन स्तर का एक प्रमुख कारण बनती है, तो अच्छे रोजगार के जो साधन हैं वो उस स्थान पर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण व्यक्ति जो है वो दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हो सकता है वहाँ पर की जो जलवायु है वो वहाँ लोगों के रहने के अनुकूल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ऐसे बहुत से जलवायु से संबंधित कारक हैं, स्थलाकृति के अनुकूल नहीं होने के कारण, समतल भूमि नहीं होने के कारण वो स्थान जो है वो लोगों को दूसरे स्थान की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। जलवायु के अतिरिक्त हम देखेंगे कि कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मतलब हम देखेंगे कि अक्सर कई स्थानों पर देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा चक्रवात जो है वो आते रहते हैं, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है या सूखे की स्थिति बनी रहती है, तो ये बहुत अधिक भूकंप, ज्वालामुखी की स्थिति बनी रहती है, ये कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हैं जो लोगों को दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर करते हैं। इन सब के अतिरिक्त महामारियाँ, भाई महामारी शब्द से तो अभी ये हाल फिलहाल की घटना है, और आप COVID-19 कोरोना महामारी से बहुत अच्छे से परिचित हैं, और इस दौरान हमने अपने देश में बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को महसूस किया है, हमने देखा है कि ये कोरोना महामारी जो है वो हमारे जो प्रवास करने की जो प्रवृत्ति है वो हमें कितना मजबूर कर दे रही थी। लोग कमाने खाने के लिए, रोजगार की तलाश के लिए
अपने जन्मभूमि जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे देश की ओर दूसरे राज्य की ओर प्रवास कर गए थे, और जब इस महामारी का जो प्रकोप है वो अपनी चरम पर था, जहां लोगों को भूखे मरने के लिए मजबूर होना पड़ गया था, तो वो कैसे तिलमिला गए थे, कैसे तड़प उठे थे कि वो किसी भी तरह से अपनी जन्मभूमि जन्म स्थान तक पहुंच जाए। और इससे होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उसको हमने बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि किसी स्थान पर जब महामारी का प्रकोप हो जाता है, और अभी तो हमने मुझे लगता है कि कई दशाब्दियों के बाद शताब्दी के बाद ये महामारी को हमने देखा, और पहले जब चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, अब तो वैक्सीनेशन और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हो चुकी है, जिससे हम बहुत हद तक इस पर काबू पा गए हैं। लेकिन पहले हम देखते थे कि अक्सर सुनते थे हैजा है, प्लेग है, मलेरिया है, इन सब के कारण हजारों लाखों और करोड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो भाई महामारी का होना भी, किस स्थान पर बहुत ज़्यादा महामारी का प्रकोप रहता है तो वो एक महत्वपूर्ण पुश फैक्टर है जो वहाँ से लोगों को दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर करता है। इन सब के अलावा उस स्थान का, किसी क्षेत्र विशेष का जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, ये भी एक महत्वपूर्ण पुश फैक्टर है। अब हम देखते हैं पुश फैक्टर के अलावा कुछ पुल फैक्टर्स भी हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, वहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो जो पुश फैक्टर थे उसके विपरीत हो जाएंगे पुल फैक्टर्स, मतलब उन स्थान पर जो जीवन स्तर है वो उच्च होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। जितने भी हम विकसित देश हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, रोजगार के बहुत से जो साधन हैं, अवसर हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यूएसए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और हम देखते हैं कि अक्सर हमारे भारत से भी लोग वहाँ पर प्रवास करते हैं, एक तो शिक्षा के लिए भी, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार, शिक्षा के बाद रोजगार के लिए भी लोग जो हैं वो उस देश की तरफ प्रवास करते हैं। तो इसके अलावा हम देखेंगे जहाँ पर, जिन क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा रहती है, भाई जहाँ पर आए दिन युद्ध हो रहा है, अशांति की स्थिति बनी हुई है, सामाजिक अस्थिरता है, सामाजिक अस्थिरता के साथ साथ राजनैतिक स्थिरता है, लोगों को अपने संपत्ति के साथ साथ जीवन के लिए भी असुरक्षा का भाव जहां पर होता है, तो लोग जहां पर इन सब से संबंधित सुरक्षा का भाव होगा, मतलब जिस स्थान पर राजनैतिक स्थिरता बनी रहेगी, सामाजिक सुरक्षा का भाव होता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो ये एक सामाजिक शांति भी रहती है और सुरक्षा भी होती है। तो ये फैक्टर भी लोगों को दूसरे स्थान से अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित करते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि शांति और स्थायित्व और जो अनुकूल जलवायु है, साथ ही साथ वहाँ उस स्थान की जलवायु भी जो है वो एकदम अनुकूल होती है, और लोग वहाँ पर जाकर रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गए माइग्रेशन या प्रवास के लिए पुश फैक्टर। पुश फैक्टर के अपोजिट हो जाएंगे पुल फैक्टर, मतलब जो कारक एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसके विपरीत जो स्थितियां होंगी वो लोगों को आकर्षित करेंगे कि वो लोग उस स्थान पर आकर रहें। और यही कारण है कि हमने अभी बात की थी भाई कि लोग अपने जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक अटैचमेंट होता है, एक भावनात्मक लगाव होता है। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपना जन्म स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और वो दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार पर। तो प्रवास जो है वो कई आधारों पर किया जाता है, जिसपे हम देखते हैं स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, फिर हम देखेंगे
समय के आधार पर, और इन दोनों जो प्रकार है, ये दो जो प्रकार हैं उसमें हम देखते हैं स्थान के आधार पर यदि हम बात करें तो ये प्रवास जो है वो स्थानीय प्रवास भी हो सकता है, अंतर्राज्यीय प्रवास भी हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के साथ साथ अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी हो सकता है। स्थानीय प्रवास, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाता है, मतलब हम अपने किसी भी राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ की ही हम बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हम यदि रायपुर शहर में या बिलासपुर शहर में रह रहे हैं, तो इस शहर में भी हमको कई गांव मिलेंगे। तो जब हम ये देखेंगे एक गांव से दूसरे गांव की तरफ कोई व्यक्ति जो है एक शहर से दूसरे शहर की तरफ प्रवास करता है तो उसे हम स्थानीय प्रवास कहते हैं। और ये प्रवास हो सकता है जैसे महिलाओं के साथ शादी के बाद वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, दूसरे शहर चली जाती हैं, या फिर नौकरी में हम देखेंगे कि कोई नौकरी है और उसमें स्थानांतरण, ट्रांसफ़र की जो ट्रेंड है वो देखने को मिलती है, तो ट्रांसफ़र के कारण या स्थानांतरण के कारण भी लोग एक शहर से दूसरे शहर की तरफ प्रवास करते हैं, तो ये स्थानीय प्रवास हो गया। फिर हम देखेंगे अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और स्पेशली हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जो 6 महीने, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक फसली ये क्षेत्र है, एक फसली राज्य है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो खरीफ के मौसम में धान की फसल जो है अधिक क्षेत्रों में, मैक्सिमम क्षेत्र में हम देखेंगे कि धान की एक ही फसल ली जाती है, तो 6 महीने वो धान का उत्पादन करते हैं अपने गांव में, अपने स्थान पर वो कृषि कार्य में लगे रहेंगे, लेकिन शेष जो 6 माह होते हैं, अगले जो 6 महीने होते हैं उसमें वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। तो ये प्रवृत्ति हम अधिकतर देखने को मिलते हैं, देखते हैं, और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर, कि वहाँ से जो कृषि कार्य करने वाले मजदूर हैं, कृषक मजदूर हैं, वो बेरोजगारी के डर से उस 6 महीने के लिए आसपास के क्षेत्र में, फिर हम चाहे बात कर लें यूपी में, आंध्रा में, कर्नाटका में, ये अलग अलग क्षेत्र की तरफ जो हैं वो प्रवास कर जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें लगता है कि उन्हें रोजगार के, कहीं पर वो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कहीं बढ़ई का काम कर रहे हैं, कहीं नल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, है ना, तो ये ऐसे बहुत से कार्य उन्हें वहाँ पर मिल जाते हैं। तो फिर अगले 6 महीने के लिए लोग जो हैं उन क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाते हैं, और फिर जब खरीफ का मौसम आता है, हम कहें ग्रीष्मकालीन जब मौसम, धान की बुआई का समय आता है, तो ये लोग फिर से अपने स्थान की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, और यह हो सकता है कि शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से भी हम देखें कि अगर हमें लग रहा है कि हमें और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है और ये अच्छी सुविधा जो है वो हमें दूसरे राज्यों की तरफ मिल रही है, जैसे आप अक्सर देखते होंगे पीएससी यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग जो हैं वो ग्रेजुएट और पीजी होने के बाद प्रवास कर जाते हैं, दिल्ली चले गए, इसके बाद हम देखेंगे कि ट्वेल्थ के बाद फिर से पीईटी पीएमटी की कोचिंग के लिए कोटा चले जाते हैं, राजस्थान चले गए, और इलाहाबाद चले गए, बीएचयू यूनिवर्सिटी में चले गए। तो ये शिक्षा के लिए, मतलब अपने राज्य से शिक्षा के लिए ये दूसरे राज्य की तरफ प्रवास कर रहे हैं, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, कारण कुछ भी है, लेकिन जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ प्रवास होता है तो हम इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हम ये देखेंगे, इसके अंतर्गत जब एक देश से दूसरे देश की तरफ लोग प्रवास कर जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अभी हमने बात ही की थी चाइना की तरफ भी लोग जो हैं वो शिक्षा के लिए बहुत से लोग जाते हैं, मतलब अलग अलग विश्व के विभिन्न देशों में भारत से लोग जो हैं वो प्रवास करते हैं, फिर वो शिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए।
तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास मतलब जब एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं लोग, तो हम उसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रों के बीच में प्रवास हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास। फिर अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतर महाद्वीपीय प्रवास में भाई जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे आप एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं, एशिया महाद्वीप में हम देखें कि हम अच्छी एजुकेशन के लिए भारत से चले गए चाइना, या हमें लग रहा है कि हमें और अच्छी शिक्षा मिल सकती है, या हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद भी जो है वो एक ही महाद्वीप में एक देश से दूसरे देश की तरफ जो है वो प्रवास हो जाता है या रोजगार के कारण। लेकिन जब हम उस महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ प्रवास करते हैं, जैसे हम उत्तरी अमेरिका चले गए, उत्तरी अमेरिका के किसी देश में चले गए अपने रोजगार के कारण या शिक्षा के कारण, तो हम उसे क्या कहते हैं? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। फिर काल के आधार पर, या हम इसे समय के आधार पर, जब जो प्रवास है वो समय के आधार पर किया जाता है, तो हम उसे इस प्रकार देखते हैं कि समय के आधार पर प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है पहला दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास में हम देखते हैं अधिकतर जो महानगर होते हैं, या हम यही बात कर लें अपने छत्तीसगढ़ में भी, तो एक दिन में मतलब लोग जो हैं वो रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं, रायपुर से धमतरी जा रहे हैं, वो डेली अप डाउन कर रहे हैं, डेली दैनिक जो है वो आना और जाना, वो अपने कार्यस्थल की ओर जाते हैं, सुबह चले गए और शाम रात होते तक वो अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, तो हम इसे दैनिक प्रवास कहते हैं। इसके बाद होता है मौसमी प्रवास, मतलब मौसम के अनुसार। और ये प्रवृत्ति हम देखेंगे कि हिमालय की जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पहाड़ी लोग रहते हैं, वो ये शीतकाल के समय या ठंड जब पड़ती है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर बर्फ जम जाती है, तो वो पशु चारण के लिए अपने पशुओं के साथ निचली घाटियों में आकर रहने लगते हैं, और उसके बाद फिर से जब मौसम बदलता है तो वो अपने स्थान की ओर, अपने क्षेत्र की तरफ प्रवास कर जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं स्थायी प्रवास। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे कि जब अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई, तो दक्षिण अमेरिका से और साथ ही साथ जो यूरोप से, यूरोप में भी पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी से बहुत सारे लोग जो हैं वो उत्तरी अमेरिका की तरफ प्रवास कर गए, स्थायी रूप से रहने के लिए, वहीं वो परमानेंट रहने लगे, तो इसे हम कहते हैं स्थायी प्रवास। तो समय के आधार पर या काल के आधार पर हमने देखा कि तीन, जो दैनिक आवागमन किया जाता है उसके हिसाब से दैनिक प्रवास, मौसम के अनुसार मौसमी प्रवास, और तीसरा जो स्थायी रूप से रहने के लिए प्रवास किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो वो हो गया स्थायी प्रवास। इसके बाद हम देखते हैं संख्या के आधार पर प्रवास। तो संख्या के आधार पर प्रवास भी एकल होगा, मतलब एक व्यक्ति के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहा है, एकल प्रवास हो गया। फिर अल्पसंख्यक प्रवास, अल्पसंख्यक प्रवास का एक अच्छा उदाहरण हम ये देखते हैं कि कहीं पर बहुत बड़े किसी स्थान विशेष में मेले का या किसी उत्सव का जब आयोजन किया जाता है, तो दूसरे स्थान से बहुत सारे लोग उस उत्सव या मेले के उस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, तो ये अल्पसंख्यक प्रवास, मतलब एक समूह में वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कुछ समय के लिए प्रवास करते हैं। तीसरा हो गया वृहत संख्यक प्रवास, मतलब एक बहुत बड़ा समूह जो है वो प्रवासित हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं 1947 में, 1947 में जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत से, भारतीय में रहने वाले जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हिंदू रह रहे थे वो भारत की तरफ प्रवास कर गए। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, और एक बहुत बड़े समूह में ये प्रवास हुआ, तो इसे हम कहते हैं वृहत संख्यक प्रवास। अब हम देखते हैं
जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन वृद्धि की दशा में देख रहे हैं, और ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं, किस दर से हम तेजी से जनसंख्या में वृद्धि को देख रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। बच्चों, यहाँ पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि जो 1.1% दर से वृद्धि हो रही है, हम कह रहे हैं, तो फिर ये चिंतनीय विषय क्यों है? भाई, ये प्रतिशत में भले ही हमको 1.1 लग रहा हो, लेकिन सोचिए इनके जो आंकड़े हैं, मतलब हमारी विश्व की जनसंख्या ही अरबों में पहुंच गई है, तो इस अरब का प्रतिशत कितना होगा? 1% की भी हम बात कर रहे हैं, जो हमने कहा कि भाई संख्या में लगभग 8.3 करोड़ है, तो ये 8.3 करोड़ जो है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। सोचिए कि हम कितनी तादाद में जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को मार दिया जाए, है ना, लेकिन हम ऐसे कुछ तरीके अपना सकते हैं जिसमें जो प्रवास है उसकी दर को हम कम कर दें, और जो जन्म दर है उसमें स्थायित्व ले आएं। इससे भी हम जनसंख्या में बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। हमको लोगों को मारना नहीं है, हमें तो भाई उनकी जीवन प्रत्याशा में और भी अधिक वृद्धि करनी है, जिससे ये पता चले कि हम कितना विकास कर रहे हैं, हमने अपने टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ा लिया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्रवृत्ति किस दर से मिल रही है। अभी हमने कहा कि भाई हर साल लगभग 8.3 करोड़ या फिर 1.1% की दर से जनसंख्या में, विश्व की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, 1800 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 अरब थी, जो 2017 में बढ़कर 7.6 अरब हो गई। और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक, यह 2030 के मध्य तक यह जनसंख्या जो है वो 8.6 अरब हो जाएगी, 2050 तक 9.8 अरब, और 2100 तक यह जो जनसंख्या है वो 11.2 अरब पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो जनसंख्या में हम 1800 से हमने बात की कि 22वीं शताब्दी के प्रारब्ध तक या 2100 में 11.2 अरब तक पहुंच जाएंगे हम, तो प्रारंभिक काल से, जब से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ऐतिहासिक प्रवृत्ति क्या रही है, इतिहास में हम जाएं तो जनसंख्या में हमको किस प्रकार से वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमें पता है कि पृथ्वी बहुत तप्त आग का गोला थी, तब तो संभव ही नहीं था कि किसी जीव का वहाँ पर उद्भव हो, विकास हो, ओरिजिन हो। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः पृथ्वी ठंडी होती गई, ठंडी होने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर कई हिमयुग आए, इस हिमयुग के दौरान हमने देखा कि भाई हिमयुग के बाद फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु रही, जो बर्फ थे वो पिघले, उसके बाद समुद्रों का विस्तार हुआ, सागरों का विस्तार हुआ, फिर महाद्वीप और अलग अलग जो है वो स्थल भाग बने। इसके बाद क्रमशः देखते हैं कि इन जलों में, जलीय क्षेत्र में या समुद्रों में जीव की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद इनका जो प्रादुर्भाव है, या हम कहें कि ये आगे बढ़े, इनकी जो उत्पत्ति है वो समुद्रों से स्थलीय भाग की तरफ बढ़ी, स्थलीय भाग की तरफ बढ़ी, और हम देखते हैं कि अब जीव जो है वो हमको स्थलों में भी मिल रहे हैं और समुद्री भागों में, जलीय भागों में भी मिले। लगभग टर्शरी काल जो था, टर्शरी काल का जो समय था, उसमें ईओसीन युग में हम देखते हैं
कि मानव का प्रारंभिक विकास हुआ, प्रारंभिक जो उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो टर्शरी काल के ईओसीन युग में हुई है। तब मानव जो था वो आदि मानव के रूप में था, वन मानुष के रूप में था। इसके बाद लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हम जाएं तो जो प्लिस्टोसीन युग था, इस प्लिस्टोसीन युग में आधुनिक मानव की उत्पत्ति माना जा सकता है। आधुनिक मानव प्लिस्टोसीन युग में जन्म लिया और हम कहते हैं कि तब हजारों में इनकी संख्या थी प्लिस्टोसीन युग में। और इसके बाद कई हिमयुग आए, कई अंतर हिमयुग भी आए, और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की हम बात करते हैं तब जब ये हिमयुग समाप्त तो हुआ और नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ। और नवपाषाण युग के प्रारंभ होने के बाद हम देखते हैं कि हमने अनेक प्रकार की धातुओं की खोज की, फिर हमने लगातार कृषि जो है इसमें विकास किया, कृषि के नए नए तरीके ढूंढे, नए उपकरणों का विकास किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि और कृषि का जैसे ही विकास हुआ, हमने नए नए तरीके ढूंढ लिए तो हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हम स्थायी रूप से एक जगह पर निवास करें, और एक स्थायित्व रूप से जनसंख्या का किसी जगह पर रहना तभी से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय जो जनसंख्या की प्रारंभिक वृद्धि कह सकते हैं ये दर्ज की गई, और तब उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी। और ये 80 लाख जनसंख्या ईसा की प्रथम शताब्दी तक की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई, बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। और इसमें जो है ये 80 लाख जनसंख्या वो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में 30 करोड़ तक जो है इसमें वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद लगातार वृद्धि हुई विश्व की जनसंख्या में, क्योंकि फिर हम देखें कि हमने जैसे कृषि में नई तकनीक का विकास किया, नए नए तरीके ढूंढे, फिर धीरे धीरे लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, फिर मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे पूरी होने लगी, उनकी भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता, ये सभी जो है वो कृषि और लघु कुटीर उद्योगों के विकास के बाद धीरे धीरे मनुष्य में या विश्व की जनसंख्या में इस वृद्धि ने एक स्थायित्व की प्रवृत्ति, स्थायी रूप से निवास करने की प्रवृत्ति लाई, और इस प्रवृत्ति से फिर जनसंख्या में फिर से धीरे धीरे बढ़ने की या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है, ये ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है वो दोगुनी कैसे बढ़ती गई, है ना, तो उसके दो गुने होने की अवधि कौन कौन सी रही इस पर हम बात करते हैं। ये जब हम दोगुना होने की अवधि की बात करें तो हम देखते हैं कि यह वह अवधि है जिसमें विश्व की जो जनसंख्या है उसमें दो गुनी वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि जो है वो आपके सामने ये जो तालिका है उसमें आपको नज़र आ रही होगी। कि फिर हम देखते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो ईसा पूर्व था उसमें हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी, मात्र 50 लाख जनसंख्या थी। फिर 1650 ईस्वी में हम देखेंगे कि ये जनसंख्या 50 लाख से बढ़कर जो है वो 50 करोड़ हो गई। लगभग 1500 वर्ष लगे इसको 50 लाख से 50 करोड़ होने में। फिर हम देखते हैं कि 1650 के बाद 1850 में हम बात करते हैं विश्व की जो जनसंख्या 50 करोड़ थी वो बढ़कर 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गई। और तब जनसंख्या को दो गुना होने में जो पहले 1500 वर्ष लगे थे अब वो सिर्फ 200 वर्ष में ही ये दोगुनी हो गई। फिर हम देखते हैं 1850 के बाद 1930 ईस्वी में तब 100 करोड़ से जनसंख्या जो है वो 200 करोड़ हो गई। और अब जनसंख्या को दोगुना होने में 200 वर्ष के बाद सिर्फ 80 वर्ष लगे इसे दुगुना होने में। और 30 वर्ष के बाद हम देखते हैं 45 वर्ष लगे इसे दुगुना होने में, जब जनसंख्या 200 करोड़ से
400 करोड़ हो गई 1930 के बाद 1975 ईस्वी में। फिर 1975 ईस्वी के बाद हम देखते हैं 2012 ईस्वी आई और ये जो जनसंख्या है वो 400 करोड़ से 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई और अब इसे 45 वर्ष के बाद सिर्फ 37 वर्ष लगे जनसंख्या को दुगना होने में। तो हम देख रहे हैं कि हम किस दर से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रवृत्ति में हम दोगुने हो रहे हैं और हर दोगुना होने में हमें जो वर्ष लग रहे हैं उसकी अवधि लगातार घटती जा रही है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि के दोगुना होने की अवधि। अब हमने बात की और हमने देखा जैसे कि हम किस तेजी से लगातार वृद्धि कर रहे हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसी भी स्थान के या हम कहें किसी भी राष्ट्र या विश्व के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की दर को बतलाता है। जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो ऐसे कि कोई जो विकसित राष्ट्र होता है, यदि हम विश्व के संदर्भ में बात करें, हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो हमें एक लिमिट में करना चाहिए, लिमिट में हमें खाना चाहिए, लिमिट में हमें बात करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी जो कार्य है वो एक सीमा तक होता है, सीमा के अंदर होता है तभी वो सही है, और जैसे ही वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है, सीमा के बाहर जाता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो चाहे फिर वो जनसंख्या की ही बात क्यों ना हो, जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है, परिवर्तन जो है वो निश्चय ही एक विकास का सूचक है, विकास का संकेत है, लेकिन जब वो लिमिट के पार हो जाता है, सीमा के पार हो जाता है, तब वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसी प्रकार ये हमने जो जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन की जो दर देखी है वो अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है और इसे पकड़ कर रखना या इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम निश्चित रूप से जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रही है, ये एक राष्ट्र के विकास का सूचक है, लेकिन ऐसी भी वृद्धि या ये परिवर्तन भी किस काम का जब हम अपने बढ़ते हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूरा भी ना कर पाए। तो यही प्रभाव है जनसंख्या परिवर्तन का, और हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो जिस दर से बढ़ रही है, इस बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो हमारी भूमि, हमारा धरातल नहीं झेल पाएगा, बहुत जल्द जो है वो इस सीमा के पार हो जाएगा। और जब हम जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो लगातार इसमें तो वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारी भूमि, हमारा धरातल, इसकी सीमा निश्चित है, ये एक निश्चित लिमिट में है। तो और इस भूमि और धरातल की सीमा निश्चित है ही, और साथ ही साथ इस भूमि में जितने भी प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं वो भी एक सीमा के अंदर ही हैं, एक लिमिट में ही हैं। तो हम कैसे इस बढ़ती जनसंख्याओं की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कर पाएंगे, और इन सब का प्रभाव हम देख रहे हैं कि फिर चाहे हम बात कर लें ऊर्जा के सोर्स, कोयले की, इवन हम पानी की भी बात कर लें, जो पीने का पानी है, उपयोग के लायक जो पानी है वो भी एक सीमित मात्रा में ही हमारे पास उपलब्ध है। फिर हम पेट्रोलियम की बात कर लें, जो कीमती संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वो सभी एक निश्चित सीमा के अंदर हैं, और जैसे ही ये जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जाएगा तो ये समाप्त प्राय हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार इनका अंधाधुंध दोहन करेंगे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये जो संसाधन है, ये जो भूमि है, वो कितनी मार झेल पाएगी। हम अभी भी देख रहे हैं लगातार भूस्खलन, मृदा अपरदन, मृदा लवणता की जो समस्या है वो उत्पन्न होती जा रही है। हमारे जितनी भी उपलब्ध जो कृषि भूमि है उसको, उसका उपजाऊपन भी लगातार नष्ट हो जा रहा है, क्योंकि हम लगातार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनमें उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई के बहुत ज़्यादा
सिंचाई यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसके कारण लवणता की समस्या मृदा में आ गई है और इतनी अधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण यहाँ पर अनुपजाऊ जो मृदा है उसकी समस्या भी हमें लगातार देखने को मिल रही है। फिर हम जितने भी संसाधनों की बात करेंगे तो ये भी सीमित मात्रा में हैं और हम अपने आवश्यकताओं की या उपयोग की पूर्ति के लिए इन्हें लगातार इनका दोहन करते जा रहे हैं और हम शायद ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य की पीढ़ी के लिए भी ये समाप्त प्राय हो जाएंगे, क्योंकि हम इतना अंधाधुंध इनका विदोहन करते जा रहे हैं। तो ये बढ़ती जनसंख्या के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो ही हमारे सामने लगातार देखने को मिल रहे हैं। लगातार कृषि भूमि की सीमित मात्रा, आवास से संबंधित जो भूमि है, क्योंकि हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये तो तीनों अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और हम इतनी अधिक मात्रा में जो जनसंख्या में परिवर्तन को देख रहे हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना अब हमें लग रहा है कि ये हमारे वश से बाहर हो जाएगा और हम इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने पर्यावरण को इतना अधिक नुकसान पहुंचा देंगे कि शायद ये हो सकता है कि कुछ हजारों वर्षों के बाद भी नहीं, कुछ सौ वर्षों की हम बात करें तो हम यहाँ पर सांस भी नहीं ले पाएंगे, सांस लेना भी हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इस जनसंख्या में वृद्धि के बहुत अधिक दुष्परिणाम ही हमें देखने को मिलते हैं या मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं अभी भी, और इस पर बहुत जल्द, बहुत शीघ्र कंट्रोल करना, एक नियंत्रण पा लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये हमारे हाथ से फिसल जाएगा।